मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है, बंसुला निवासी हूँ। और विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनते दिख रही है? सरकार को तो नहीं बता पाएंगे, बाकी अपने हिसाब से हम बीजेपी को ही देंगे। आप बीजेपी समर्थक हैं? हाँ। बीजेपी ने ऐसे कौन कौन सा भी काम किए हैं जिनको आप बीजेपी को टिकट देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में? बीजेपी छत्तीसगढ़ में नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी मोदी जो कार्य कर रहे हैं हम उनसे संतुष्ट हैं, मोदी से संतुष्ट हैं। यहाँ किसान लोग बता पाएंगे कांग्रेस सरकार क्या किया क्या नहीं किया? हमारा तो ज़मीन नहीं है, हम तो किसानी काम नहीं करते हैं। बाकी माहौल देखो, यहाँ आपका गैस टंकी है 1200 हो गया, कांग्रेस सरकार है ऊपर में जो रहे, हमको तो मतलब ही नहीं है। यहाँ की सरकार कम करना चाहिए, पेट्रोल 103 रुपया है, हमको उससे अपना सरकार से मतलब है ना, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री कर रहा है नहीं कर रहा है हमको थोड़ा पता। पर उनका तो ऐसा कहना है कि वो केंद्र के अधीन में आता है। नहीं तो अपना सरकार जो वेट लेती है उसको कम करेगा तो कम होगा जी। तो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने वाली है, तो अभी जो है राजनीति का माहौल चल रहा है, बसना में भी चुनावी माहौल चल रहे हैं, तो अभी वर्तमान में किन किन प्रत्याशियों को आप देख रहे हैं जो लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और अब टिकट को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? दावेदारी तो बहुत कर रहे हैं, बाकी संपत जैसे गांव-गांव जाकर कर रहा है वैसे तो बाकी आदमी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी को किसको टिकट देना चाहिए? मेरे हिसाब से निजी राय से संपत को अगर टिकट मिलेगा तो जीतेगा। ये अनिल अग्रवाल, रमेश अग्रवाल और रूप कुमारी अग्रवाल, रूप कुमारी चौधरी, ये लोग को ना मेरे पिताजी गुजर गए तो मैं खुद जाके निमंत्रण कार्ड दिया था, लेकिन कोई नहीं आए। जहाँ फोटो होता है ना वहीं जाके ये लोग जाते हैं, एक नारियल धरा के फोटो मीडिया में पेपर में देते हैं। तो मेरे पास, मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ का सदस्य हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं आए कोई। काम खत्म हो गया, ठीक है काम के दिन नहीं आए, बाद में तो मिलने आना था ना, इसीलिए मैं पार्टी से नाराज हूँ और चाहे कांग्रेस को दे दूंगा लेकिन ये जो है बाकी बीजेपी को और नहीं दूंगा मैं वोट। अब मेरे जो भी हैं उनको भी कांग्रेस को दो बोलूंगा। अच्छा, वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आपको कैसे संतुष्ट हैं, असंतोष हैं? अब सब संतोष हैं तो हम संतोष हैं। पूरा परिचय बताएं। मैं राजकुमार चौहान, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष व महासमुंद जिलाध्यक्ष वन विभाग से। आज कांग्रेस की सरकार 4.5 साल गुजरने को जा रहा है। जिस टाइम हम लोग हड़ताल किए थे 2018 में, हमारे स्टेज में जाके उसने गंगाजल को लेके कसम खाया था कि जिस दिन मेरा सरकार आएगा मैं 10 दिन के अंदर में नियमितीकरण करूंगा। आज 4.5 साल गुजर चुका है, कांग्रेस सरकार रेगुलर की बात तो अलग है, हम लोग अभी भी 2 महीना हड़ताल में बैठे थे, अभी तक हमारा कोई प्रकार के सुध नहीं लिया, न किसी प्रकार के पूछा, कई आदमी आत्महत्या भी किए इनके जरिए, और न हम लोगों का वेतन भी अल्प वेतन है, 9,500 रुपये में क्या परिवार पाल सकते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस सरकार की रवैया है, खाली झूठ मूठ का सरकार है, बदनाम के अलावा कुछ नहीं। मैं ये करूँगा वो करूँगा ज़बरदस्ती घोषणा करके, घोषणा पत्र में लिख देने से नहीं होता, उसको अमल करने से होता है। इसके पहले भी जो है प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो क्या आपने रमन सिंह जी से कभी ऐसा मांग किया था? हाँ, रमन जी के सरकार में भी हम लोग मांग किए थे, जिस टाइम में उनका शासन आने वाला था वो लास्ट पीरियड में था, और जैसे हम लोग हड़ताल ये किए और ये आचार संहिता लागू था। अच्छा, तो आपको क्या लगता था कि अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आती तो आप लोगों की जो मांगे थे वो पूरी हो जाती? हाँ, मांग पूरी होने की आशंका था तो बिल्कुल वो पूरी किए होते। बंसला डिपा के निवासी हूँ भाई, मन नाम रेशम लाल सिदार है, हम मेरे स्कूल में रसोईया काम करता हूँ, और हड़ताल हम करत रहे लेकिन अभी ले सरकार कछु नहीं सुने है, तो हम लोग 1500 दे थे, जो 1500 रुपया में हम अपन के रोजी रोटी चलान के अपन के पेट देखन कि काय करन भाई। हम लोग हड़ताल के कारण कर इसका और हड़ताल कर दो, क्या मांग रही सरकार से? हमला वो वेतन नहीं बढ़ाते रहे इसके। शतक मांग करते रहो तुम? हाँ, करीबन कलेक्टर दर में दे कही थे। तो
अभी आगामी जो है विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? अभी तक लताओ कच्छा नहीं करे है, काहे ला वो हर मांग पूरा करेगी। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं आगे आने वाले समय में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार दोबारा लाएंगे प्रदेश में? नहीं भाई, आप अतका दिन लेता हम हड़ताल में हम कहीं से नहीं सुने जब कहला वो सरकार ला लाबूंगा। तो बीजेपी से आपको उम्मीद है? हाँ, आप उम्मीद तो करो थन गा, आप आ जाए के निचट में हम गरीब आदमी के होले कछु कछु सुनी कहके। मेरा नाम पुष्प सागर तांडी है, मैं बंसुला ग्राम का निवासी हूँ और दीपा में रहता हूँ, आटे के पास आगे घर है। मैं किसानी हूँ, अभी बेरोजगार हूँ। अच्छा, किसान भी है बेरोजगार जी? अच्छा, किसान है फिर आप बेरोजगार कैसे? किसान ठेका में देते हैं तो वो, हाँ मेरे नाम से नहीं है, पिताजी के नाम से है जी। तो बेरोजगारी बहुत मिल रहा है आपको? नहीं सर, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है तो मेरे को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या लगता है आपको कितना कुछ विकास कर रही है कांग्रेस की सरकार राजपुर से? कांग्रेस की सरकार तो अच्छा चल रहा है उनका, मेरे को लगता है कि आने वाला सत्र जब चुनाव होगा इसी सत्र में तो कांग्रेस की सरकार बनेगा। तो गांव गरीब में बहुत ही अच्छा प्रयास है उनका, चुनाव जीतने का अच्छा कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे जो है गरीब वर्ग जो है काफ़ी नाराज है कांग्रेस की सरकार से, जब किसान वर्ग के लोग काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। गरीब लोगों के लिए तो गांव में गोठान का सुविधा किया है तो शायद उससे गरीब लोगों को दुख नहीं है, ऐसा भाजपा वाले बोल रहे होंगे कि गरीब लोग दुख हैं, लेकिन हर वर्ग कांग्रेस पार्टी से खुश है। और इस सत्र भी चुनाव में भाजपा की सरकार बहुत अच्छे से जड़ बनाने में लगी है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। मेरा नाम जन्मजय साहब है, वर्तमान में भाजपा मंडल बसना का महामंत्री भी हूँ और बंसुला गांव का पंच हूँ। मेरी पत्नी यहाँ की सरपंच है जी। तो आपके पंचायत में क्या कुछ कितना विकास हुआ है आपके कार्यकाल में? खास करके मूलभूत सुविधाओं पर हमारा ध्यान रहा है पिछले 4 वर्ष तक। इसमें सीसी रोड हमारे कार्यकाल में 8-10 सीसी रोड भी बना है, पौधारोपण, हजारों पौधा अभी भी जीवित हैं, स्ट्रीट लाइट का काम है, नादेव टैंक साफ सफाई है, और खास करके मैं बोलूँगा पानी का अच्छा सुविधा करने का हमारे पंचायत द्वारा प्रयास रहता है, घर घर में पानी पहुँचे वही कोशिश में रहते हैं। अच्छा, वर्तमान में क्या क्या समस्याएँ हैं आपकी पंचायत में जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? जी, यहाँ पे बंसुला डिपा बहुत साल से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहाँ सीसी रोड का बहुत ही ज़रूरत है, बहुत सारे यहाँ पे सरकारी ऑफिस हैं, सीसी रोड का मेन समस्या है, बहुत कीचड़ होता है यहाँ पे। अच्छा, तो अभी जो है कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा है, कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ कितना विकास हो रहा है? कांग्रेस के शासन में बंसुला पंचायत को विधायक मत या मंत्री मत से कुछ नहीं मिला है, हाँ लेकिन राज्य शासन से ये जो रोड बना बंसुला आरे के रोड, उसमें ग्रामीणों को बहुत राहत मिला है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप बीजेपी से महामंत्री भी हैं, मंडल महामंत्री जी, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं जी, तो भाजपा से ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो प्रयास कर रहे हैं बीजेपी से टिकट को लेकर? बीजेपी के महामंत्री होने के नाते मेरे हिसाब से आप जो पूछना चाह रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी हैं, हम तो यहाँ के हर छोटे से छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनको मैं अपने नज़र में प्रत्याशी मानता हूँ। हमारा ऊपर से जो भी निर्देश आएगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, पूरा समर्थन रहेगा और उनके लिए काम करेंगे हम। लेकिन फिर भी संभावित नाम जिनका जिनका है उनका आप बता सकते हैं? संभावित नाम जैसे इनके अग्रवाल जी हैं, संपत भैया जी हैं, रूप कुमारी दीदी जी हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे जगदीश प्रधान हैं, मपामरी भैया हैं, हमारे सोमनाथ भैया हैं। इस कारण मैं बोल रहा हूँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मैं कांग्रेस के विधायक मंत्री से भी ज़्यादा योग्य मानता हूँ भाजपा के। पिछले समय DC पटेल को टिकट मिला था लेकिन उनके बुरी तरीके से हार हुई थी, आप हर प्रत्याशी की योग्य मानते हैं तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? DC पटेल जैसे उम्मीदवार अगर उतारते हैं बीजेपी तो फिर क्या होगा यहाँ? पैरासूट प्रत्याशी तो यहाँ पे उतारना नहीं चाहिए, बसना का लोकल प्रत्याशी को देना चाहिए,
और रही बात डीसी पटेल जी की, तो मैं मानता हूँ जो कांग्रेस का झूठा आश्वासन था, कर्जा माफी था, किसानों को विभिन्न प्रकार से लालच दिया गया, महिला समूह का कर्जा माफ का वादा किया गया था, कई प्रकार के शराबबंदी का वादा था जो अभी कांग्रेस सरकार ने निभाई, आप देख रहे हैं, इस कारण आदमी ठगी में आ गए और कांग्रेस को वोट कर गए। अच्छा, तो पिछली बार जो है बीजेपी का हार का क्या कारण रहा होगा प्रदेश में? बीजेपी का हार का कारण कांग्रेस का जो झूठा घोषणा पत्र था उसी को मैं मानता हूँ, नहीं तो बीजेपी इतने बुरी तरीका से नहीं आती। और आज कांग्रेस को वोट करके छत्तीसगढ़ की जनता अपना को ठगा महसूस कर रहा है। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के क्या क्या मुद्दे हैं जिसको देखकर लोग उन्हें वोट करना चाहेंगे? बीजेपी आप देखिए, अभी पिछले कई महीनों से चावल मिल रहा है, प्रत्येक नागरिक को 5-5 किलो चावल मोदी सरकार द्वारा भी दिया जा रहा है, जिसको कई प्रकार से रोक टोक करके राज्य शासन आम आदमी तक पहुंचने भी नहीं दिया गया है, आपके मीडिया के माध्यम से आपको मालूम भी होगा। जैसे हमारा पेंशन था 350 था, पिछले 4 साल में हमारे बुजुर्गों को 350 को 1000 दूंगा बोले थे, लेकिन 1 रुपया नहीं बढ़ाए। अपना प्रधानमंत्री आवास है, बीजेपी यदि शासन में आता है तो सबसे पहले तो गरीबों को आवास मिलेगा, जो कांग्रेस सरकार पूरा रोक रखा है। अभी हमने सुना है कि जो है कांग्रेस सरकार ने वापस आवास का आवंटन शुरू कर दिया, राशि जारी की जा रही है, शायद आपके पंचायत में भी राशि आई है? जी आई है। तो इसमें फिर रोक टोक की बात कहाँ से आई? पिछले 4 साल से गरीबों का आवास हमारे भूपेश बघेल जी रोक रखे थे, अब ये मामला कहीं उनके लिए उल्टा ना बन जाए, इस कारण आदमी को फिर से ठगने के लिए 5वां साल में दिया जा रहा है उनको, जनता सब कुछ समझ रहा है वो इस चीज को। अच्छा, कांग्रेस सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है गोठान, गोठान की क्या स्थिति है आपके गांव में? गोठान हमारे गांव में गोबर खरीदी हो रहा है, लेकिन महिला समूह काम करने को भी तैयार नहीं रहते हैं, उनको अपना जो अंशदान है वो या तो समय में नहीं मिल पा रहा है, या फिर पर्याप्त तो जो वो रोजगार मतलब उनको चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का जो भी वादा है, मतलब 20 क्विंटल लगभग धान खरीदी का, और समर्थन मूल्य कितना है आपको पता ही होगा, आप भी एक किसान हैं, तो क्या उस वादा को पूरा करेगी कांग्रेस सरकार? कांग्रेस ने वादा किया, कांग्रेस पूरा करेगी नहीं करेगी वो कांग्रेस जानेंगे, लेकिन किसानों को आप देखिए यूरिया में डीएपी में जो सब्सिडी हमारे केंद्र सरकार से मिलता है, यहाँ पे आके कालाबाजारी हो जाते हैं, कालाबाजारी होने के बाद वही जो 350-320 का यूरिया है उसको 500 में हमारे किसान खरीदते हैं, अपना वर्मी खाद खरीदी जो 2 रुपया में गोबर बेच रहे हैं किसान लोग, उन्हीं को 10 रुपया में फिर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और अन्य तरह से किसानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसको भी किसान समझेंगे, और भाजपा जो है किसानों के लिए अच्छा से अच्छा काम करेगी भविष्य में, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, भाजपा किसानों के हित में इतना अगर सोचती है, किसान कानून योजना जो भाजपा लाने वाली थी उसके फेल होने का क्या कारण रहा होगा? फेल नहीं हुआ है, समर्थन मूल्य आप देखिए अभी मोदी जी अभी बढ़ाए हैं, आप उसको रेट को अंतर करेंगे तो 2180 रुपये कुछ अभी मोदी सरकार का है, और 2800 अभी हमारे भूपेश बघेल जी दे रहे हैं, तो उस हिसाब से भूपेश बघेल जी को तो अभी 3200 किसानों को देना चाहिए, जब उतना हितैषी है तो किसानों का, बाकी तो जितना है वो मोदी सरकार दे रहे हैं ना 2180 के आसपास।